करंट लगने से छात्रा की मौत। इंदौर के विजासन टेकरी पर नवरात्रि में हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कल रात हुए एक हादसे में 10वीं कक्षा की एक छात्रा की झूले में करंट लगने से मौत हो गई। जहां हतोद निवासी पवन अपने परिवार के साथ विजासन टेकरी पर माता जी के दर्शन करने के बाद मेला घूमने गए थे, उसी दौरान 10वीं की छात्रा के साथ उसके भाई झूला झूल रहे थे और झूले के उतरने के दौरान खुले करंट के वायर नीचे बिछे हुए थे। उसी कारण भाई नयन और बहन कनक को करंट लग गया, जिसमें 14 साल की कनक की मौत हो गई। छोटे भाई नयन की जान बच गई। करंट लगने के दौरान कनक को बचाते समय उसके पिता पवन को भी करंट लग गया था। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। वहीं सूत्रों के जानकारी की मिली है कि झूले में करंट करीब 4 से 5 और लोगों को करंट लगा था। बहरहाल एरोडम पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर से संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ है? विजासन माता गए थे हम दर्शन करने, मैं, मेरी बीवी और दोनों बच्चे। दर्शन करने के बाद झूला झूलने गए, झूला भी झूल लिया। झूले में से उतरते वक्त मेरी बेटी को करंट लग गया और फिर मैं उसको बचाने के लिए अंदर दौड़ा तो मुझे भी झटका लगा। बच्चा भी बैठा था साथ में, उसको तो मैंने छुड़ा लिया झूले में से, एक तरफ कर दिया और मेरी कनक को खींचने लगा तो वो उसमें चिपक गई थी झूले में। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, फिर उसको साइड में किया और फिर उसको अस्पताल लेके आए। दूसरे बच्चे हम जब उसको साइड में लिटाया, जब वहाँ बात कर रहे थे कि और भी बच्चों को करंट लगा है, अब किसको लगा क्या लगा मुझे नहीं पता। भैया आप यहाँ पर कितनी बजे पहुँचे थे? कहाँ पर? मंदिर पे। मंदिर तो हम 10 बजे चले गए, 9:30 बजे पहुँच गए। अच्छा, माता पूजन करने के बाद आप वहाँ गए थे दर्शन करने गए थे। अच्छा, ये जो झूला था ये कोई छोटा झूला था या बड़ा, कौन सा झूले में? बड़ा झूला था। कितने लोग बैठे थे आप? मतलब आपके बच्चे ही थे, परिवार के लोग भी थे? नहीं, यूँ तो पूरा झूला भरा था, मेरे दोनों बच्चे बैठे थे। सिर्फ करंट इनको ही लगा? हाँ, वो उतरते वक्त लगा, जब उतर रहे थे। बाकी बच्चों को भी लगा? वो लगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या लगा तो करंट लगा इनको? नीचे उतरने के लिए पैर, जैसे ही वो लोहे का वो रहता है प्लेटफॉर्म बना हुआ, उस पर पाँव रखा, ऐसे ही वो करंट चपेट में आ गई। दोनों बच्चों को लगा? दोनों बच्चों को। फिर आप कहाँ लेके गए थे? मैं बाहर था, उनको लेके आया, छुड़ाया अंदर से, फिर पहले 60 फीट पे एक अस्पताल में दिखाया। वहाँ उन्होंने बोला कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, फिर वहीं पास में एक अस्पताल और है वहाँ भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि MY ले जाओ। अच्छा, फिर डेथ हो गई? फिर MY ले गया। किसकी डेथ हुई यहाँ पर अभी? कनक की। कनक, पूरा नाम क्या था? कनक रणवासी। क्या उम्र थी इसकी? 14 साल। कोई पढ़ाई करती थी? 10वीं में। अच्छा, और जो बच्चा था वो, उसकी क्या उम्र है? 8 साल। ठीक है वो? ठीक है वो। कहाँ रहते हैं आप लोग? हाथों। तो क्या कह सकते हैं, लापरवाही है या एकदम से क्या, मतलब एक बड़ा हादसा हो सकता था? काफ़ी भीड़ रहती है दर्शन करने, लोग पहुँचते हैं। लापरवाही है सर, वहाँ पे वायर दिख रहा था नीचे, जब उसको झूले में से छुड़ा के जब साइड में करा तो वहाँ पे करंट का वायर दिख रहा था, उसी में से हो सकता है करंट लगा। सिर्फ दो लोगों को लगा है? हाँ, और किसी को लगा तो फिर मुझे जानकारी नहीं है। ये तो बता रहे हैं कि 5 से 6 ऐसा बोल, वहीं पे हम जब वहीं थे उसको संभाल रहे थे, उसके हाथ पर मसल रहे थे, तो वहीं बात हो रही थी कि और बच्चों करंट लगा है, हम तो उसमें लगे थे। पूरा परिवार गया था? हाँ, हम चारों गए थे। अच्छा, ये दोनों बच्चे ही झूला झूल रहे थे? दोनों बच्चे भी थे, बच्चों की मम्मी भी थी, पर वो अलग थोड़ी पीछे थी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती थी बच्ची? 10वीं में। आपका नाम बताइए जी। आपका नाम बताइए। पवन। आप कौन है? मैं उसका पिता हूँ। क्या पूरा घटना क्या था? एक 14 साल की जो है नाबालिग बेटी जो है, उसकी सूचना करंट लगने से हमारे थाने एरोडोम पर रजिस्टर्ड हुई है और हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है इसमें, और अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं हम उसको और पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं, उसके पश्चात PM कराएंगे। PM के बाद ही पता चल जाएगा मौत का असली खुलासा जो है, और रिपोर्ट के बाद ही इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तो प्रथम दृष्टया एक बेटी की सूचना है, अब आगे जांच कर रहे हैं। तो प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर क्या है कारण? परिजनों द्वारा जो है करंट लगना बताया है, अब किस कारण से हुआ क्या है पूरा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया, मर्ग के बाद ही पीछे समझ। बच्ची का भाई भी 8 साल का था, उसको भी करंट लगाया सब पिता का? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो परिजनों का आरोप है कि जब बच्ची को करंट लगा उसके बाद वहाँ मौके पर ना पुलिस, ना एम्बुलेंस मिली, ना कोई दूसरे संसाधन मिले बच्चे को अस्पताल ले जाने के, क्या पुलिस का कोई वहाँ पर ड्यूटी थी क्या? पुलिस की टीम जो है गर्भगृह में थी विजासन मंदिर में, चूँकि भीड़ बहुत थी, करीबन 10 से 15 हज़ार लोग जो है, तो सारी टीम वहीं लगी हुई थी। मेला किसके द्वारा आयोजित कराया गया था सर? अभी एक डॉक्यूमेंट पे बता पाऊंगा। क्या कोई अनुमति ली गई थी इसमें? FIR करेंगे हम लोग जो भी। मेले की कोई अनुमति ली गई थी सर? अभी ये डॉक्यूमेंट देख के बता पाऊंगा आप लोगों को।
आपका नाम बोल दीजिएगा सर। मैं टी आई यादव हूँ।